सो घोड़ी मंदिर में पहुंची हूं पाना ये घोड़ी मंदिर जा मुख्तलिफ मंजर आए ये मुख्तसर तारीख है घोड़ी मंदिर जी ता पड़ी सो ता पे ये मंदिर 1376 ईस्वी मेंगो नाले जिनमत पारी नंगर जे ठरायो असल में जिन धर्म वाला पारसनाथ जा पुजारी हैं जो गुरु ग्रंथ चलो के जरूर चो के चंदा है ये इस बाबा है जो इन मंदिर जो नालो घोड़ी पयो जे जेराजी 42 पाए 20 मीटर आए इन मात पत्थर संगमर पर जेड़ो आए जेको जोधपुर का अंदल मालूम थे तो इमात चढ़ावत आए बीक तोड़े चटसाली ते अड़ो नफीस कम तलाए जो उनके फनकारी जो आला नमूनो चई सके तो इन मंदिर में 12 कमरा हैं जेके इबादत पूजा लाए कमीदा हैं इन मंदिर के 1975 कानून तहत महफूज के आए इन मंदिर के पार्क के टाणन अंग्रेज के बीच में चंग जी करे तमाम नुकसान थे मतलब त ही मंदिर सिंध जी कदीम यादगार मा है तो ही जिनमत मंदिर घोड़ी मंदिर जी का चौथा था असल में बेसिकली जिनमत वाला जो मंदिर हो उनका कोई वरी तारीख असाजा सिंधी कौम जो मुख्तलिफ तारीख से मतलब गुजरी है मुख्तलिफ धर्म के अपनाईंदी रही है तब्दील कर रही है घोड़ी मंदिर ये सलाम कोट के रास्ते पे आता है नंगर पार्कर और सलाम कोट के बीच में जो रास्ता है वहाँ से यहाँ से गुजरता है और ये बहुत ही खूबसूरत तारीखी मंदिर जो सदियों पुराना है। मैंने कहा कि आपको मैंने आप बाहर बोर्ड पढ़ाया तो उस पर लिखा है कि ये 13वीं सदी में ये इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी और अंग्रेज़ों की लड़ाई के दौरान जब यहाँ के बागी गोरिल्ले उनके साथ गोरिल्ला वार कर रहे थे तो उसमें इस मंदिर को बहुत नुकसान पहुँचा था। तो ये एक बहुत ही शाहकार मंदिर है। आइए हम आपको यहाँ के अंदर मंदिर दिखाते हैं। तो अचोदा तहां के इन मंदिर जो अंदर मंजर दिखारे ये अंदर मंजर आए घोड़ी मंदिर जा चटसाली जो अड़ो शाहकार कम कें यकीन वे खराज तहसीन के लायक उनकी हथर के हथ के सलामत हुआ तो चुमन के लायक 700 साल इन मंदिर के थे 700 साल में उन्होंने कारीगर के सलाम अड़े फन जो मजा कमाल बिल्कुल मालकी न हुक्मरानी बेशर्मी चेजे जो हे तारीखी विरसान मालकी नी थे वारसी नी थे जैसे सिंध दिसो टुटी फुटी पी है।